अजमेर जिले के साथ ही अन्य जिलों को पानी की सप्लाई देने वाली बिसलपुर पाइपलाइन नसराबाद में ट्रक की टक्कर से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद पानी की पाइपलाइन से 20 फीट का विशाल फव्वारा शुरू हो गया, जिसके कारण हजारों गैलन लीटर पानी की बर्बादी देखने को मिली। 4 से 5 घंटे तक पानी इसी तरह रात भर बहता रहा, लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। लगातार बह रहे पानी के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया और यह पानी व्यर्थ ही खराब हुआ। इस पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण नसराबाद के साथ ही कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है, साथ ही लाखों का नुकसान भी देखने को मिला है। मंगलवार रात नसीराबाद स्थित देराठू बाईपास चौराहे पर ट्रक की टक्कर से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण तेज रफ्तार पानी फव्वार के साथ निकलने लगा। इसकी सूचना जलदाय विभाग को दी गई, लेकिन 3 से 4 घंटे तक किसी ने शुद्ध नहीं किया, जिसके कारण पानी की बर्बादी भी देखने को मिली। आने वाला समय गर्मी का है, ऐसे में इस तरह से पानी की बर्बादी आम जनता के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। फिलहाल जलदाय विभाग बुधवार सुबह से ही इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुटा है, जिससे कि पानी की सप्लाई को सुचारू किया जा सके।